वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया का खामोश तरीन मकाम कौन सा है। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी दीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में खामोश तरीन मकाम भी है? अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको बताते हैं। मकाम को एनएचओएच चैम्बर भी कहा जाता है, जो कि ऑलफील्ड लेबॉरटरीज की जानिब से यूएसए में बनाया गया है और इसके बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पे इंसान 45 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकता। हर इंसान इस सुकून की तलाश में होता है, लेकिन इतना भी सुकून ना हो कि इंसान को अपने ही ऑर्गन्स, अपनी ही धड़कन और अपनी ही हड्डियों की आवाज़ें आने लग जाएं और इतनी साफ आवाज़ें हों कि आपको खुद ही फ्रस्ट्रेशन और एक अजीब सी उलझन होने लग जाए। और इस रूम को माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स की जानिब से बनाया गया है ताकि जो भी नई इजादात हों उनको खामोशी में टेस्ट किया जा सके। और इस रूम में मीडिया के नुमाइंदे को ही ज़्यादा देर तक ठहरने की इजाज़त है, लेकिन उसके साथ बाहर जो एक्सपर्ट्स उनकी निगरानी करते रहते हैं ताकि अगर कोई मसला हो तो फ़ौरन जाके उनको, जो भी अंदर जिस मसले में भी हो उसको फ़ौरन जाके बचाया जाए या उसको निकाला जाए, क्योंकि इंसान जो है खुद ही घबराहट का शिकार हो जाता है कि अपने ऑर्गन्स की आवाज़ सुन के। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मीडिया नुमाइंदों के अलावा आम बंदा वहाँ पर विज़िट नहीं कर सकता या एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो अगर आपको शोर बहुत तंग करता है और आप किसी पुरसकून जगह की तलाश में हैं तो आप इस जगह पर जाने का सोच सकते हैं। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि खामोशी कितनी तंग करती है और खामोशी किस तरह आपको अंदर से खा सकती है। चलिए हम देखते हैं कि इसको किस किस चीज़ की मदद से बनाया गया है। इस कमरे को स्टील और कंक्रीट की मदद से बनाया गया है और कहा यह जाता है कि जब भी कोई बाहर से आवाज़ आना चाहे या आ रही हो तो ये फ़ौरन उसको अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। आप ऐसे ही समझ लें कि अगर ये कमरा है और साथ ही जो है इसके एयरपोर्ट है और जहाज उड़ा हो तो उसकी भी आवाज़ अंदर तक नहीं आ सकती। और फिर इस कमरे को बहुत सारे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हार्ले डेविडसन जो अपने खामोश तरीन इंजन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। हार्ले डेविडसन अपने बाइक्स तैयार करने के बाद यहाँ पर उनको टेस्टिंग के लिए लेके आता है कि उसका इंजन की कितनी आवाज़ है, क्योंकि ओरिजिनल तो उनके इंजन की आवाज़ होती है लेकिन वो चाहते हैं कि इसके अलावा उसमें कोई भी आवाज़ ना हो। इसी उम्मीद के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।